हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीता, मेरी टेरेस गार्डन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मेरी वीडियो की टॉपिक है वेजिटेबल गार्डन के लिए कैसे सॉइल लेस पॉटिंग मिक्स तैयार किया जाए। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो वेजिटेबल गार्डन करना चाहते हैं लेकिन सॉइल ना होने के कारण वेजिटेबल गार्डनिंग स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं ऐसी एक पॉटिंग मिक्स की वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी जिसे तैयार करने के लिए सॉइल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तो और, इस सॉइल लेस पॉटिंग मिक्स से टेरेस पर गार्डन तैयार करने से टेरेस पर वेट भी कम पड़ेगी। फ्रेंड्स, इस सॉइल लेस पॉटिंग मिक्स को तैयार करने के लिए सॉइल के बदले हमें चाहिए 40% कोकोपीट। फ्रेंड्स, कोकोपीट असल में कोकोनट हस्क के दास्त होते हैं। फ्रेंड्स, कोकोपीट आपको एग्रीकल्चर शॉप या ऑनलाइन अमेजोन में इजीली मिल जाएगी। इस कोकोपीट में पहले मैं ऐड करूंगी 50% भार्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास भार्मी कंपोस्ट अवेलेबल नहीं है तो भार्मी कंपोस्ट के बदले आप काउडंग कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, भार्मी कंपोस्ट में वो सारे न्यूट्रिएंट रहते हैं जिसकी ज़रूरत वेजिटेबल प्लांट की अच्छे ग्रोथ के लिए चाहिए। भार्मी कंपोस्ट के बाद मैं ऐड करूंगी 5% बोन डस्ट। बोन डस्ट एनिमल की बोन से बनती है और इसमें अच्छी अमाउंट में नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम रहते हैं। बोन डस्ट के बाद मैं ऐड करूंगी 5% नीम केक पाउडर। फ्रेंड्स, नीम केक पाउडर में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रहते हैं और तो और नीम केक पाउडर में नाइट्रोजन भी अच्छे अमाउंट में रहते हैं। नीम केक पाउडर के बाद 1 टीस्पून ट्राइकोडर्मा पाउडर मैं ऐड करूंगी। ट्राइकोडर्मा एक बायो फंगिसाइड होते हैं। पॉटिंग मिक्स में अगर कोई बुरे फंगस ग्रो होते हैं तो ट्राइकोडर्मा उसे मार देती है। अब सारे इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह मिक्स करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह आपके वेजिटेबल गार्डन के लिए पॉटिंग मिक्स तैयार करते हैं तो आपके वेजिटेबल गार्डन के लिए कोई सॉइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना सॉइल के ही आप पॉटिंग मिक्स तैयार कर सकते हैं और इस सॉइल लेस पॉटिंग मिक्स को यूज़ करने पर आपके टेरेस पर ज़्यादा वेट भी नहीं पड़ेगी। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज यही तक, बाय।